हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देखो, इसमें क्या देखेंगे अपन? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द बॉडी, कभी भी कोई भी एंटीजन एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रजिस्ट द इन्वेशन, मीन जो भी बैक्टीरिया वायरस एंटर हुआ है उसको रजिस्ट करना। रजिस्ट कर मीन्स अगेंस्ट में आना, उसके अगेंस्ट में। सो एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रजिस्ट इन्वेजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेजन कॉज करने वाला है, डिजीज कॉज करने वाला है, उसको रजिस्ट करना, तो वो एक एबिलिटी है बॉडी का, तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन क्या है? इनेट है एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। सो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी ये है बेसिकली बाय बर्थ इटसेल्फ, जो भी इम्यूनिटी प्रेजेंट रहेगा बर्थ से ही, रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन प्रेजेंट बाय बर्थ इटसेल्फ, बर्थ इटसेल्फ से प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कि वो एक्वायर्ड हुआ है, उसके अंदर क्या आता है? एक्वायर्ड में नेचुरल है एंड आर्टिफिशियल है, कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, कुछ आर्टिफिशियल ही है। अब मैकेनिकल, इसमें क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी में मैकेनिकल बैरियर है। मैकेनिकल बैरियर मतलब स्किन है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो भी स्किन है, तो स्किन क्या करता है ताकि बैक्टीरिया एंटर ना हो सके बॉडी के अंदर, तो उसको प्रिवेंट करता है, तो वो एक हिसाब से क्या हो गया? इनेट इम्यूनिटी। बाय बर्थ सेल, बर्थ से ही प्रेजेंट है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। देन सिक्रीशन, सिक्रीशन भी बर्थ से ही प्रेजेंट है, म्यूकस, सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड के सिक्रीशन क्या होता है? जो भी ऑयली सिक्रीशन रहता है, म्यूकस, म्यूकस क्या करता है? ट्रैप्स करता है माइक्रोब्स को, जो भी माइक्रोब्स एंटर हो रहे हैं उसको क्या करेगा? ट्रैप करेगा। सीबिशियस ग्लैंड है जो कि फैटी एसिड सिक्रीशन रहता है, फैटी एसिड रहता है, तो ये क्या करता है? किल करता है बैक्टीरिया एंड फंगाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई। देन सलाइवा, सलाइवा सिक्रीशन है, वो भी क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। टीयर्स है, उसके अंदर लाइसोसोम एंजाइम है, लाइसोसोम एंजाइम है, जो कि क्या करता है? किल करता है वो भी बैक्टीरिया को। गैस्ट्रिक जूसेस है, जो कि एचसीएल है, हार्ड एसिड है, वो भी प्रेजेंट रहता है स्टमक के अंदर, सो वो भी क्या करता है? एक किल करता है बैक्टीरिया को। देन ह्यूमरल डिफेंस, ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म में क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, इंटरफेरेंस होता है। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? मतलब एक रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन होता है वो क्या करता है? कुछ केमिकल कंपोनेंट है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जो कि वो स्टॉप हो गया है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जो कि स्टॉप हो गया है, उसको क्या करते हैं? इंक्रीज कर देगा, एनहांस कर देगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और उसकी वजह से क्या होगा? एंटीजन किल हो जाएगा। देन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या करता है? किल वायरसेस, वायरसेस को क्या करेगा? सब किल कर देगा। इंटरफेरेंस एक केमिकल है जो कि वायरसेस को किल करता है। सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म में क्या आता है? ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आते हैं? डब्ल्यूबीसीस, डब्ल्यूबीसीस में क्या आता है? मेनली ग्रेन्युलोसाइट्स में तीन आता है, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स। तो ये मोनोसाइट्स वगैरह सब, ये सब डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहते हैं बर्थ इटसेल्फ से, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या आता है? एक्वायर्ड में दो आता है, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। सो नेचुरल में क्या होता है? जो कि नेचुरली प्रोवाइडेड, सो नेचुरली प्रोवाइडेड में दो है, एक्टिव, एक्टिव वेन एवर द मीन्स एक्टिव केम, मीन्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, जब भी एंटीजन एंटर होएगा उसके बाद ही एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर। सो ये क्या है? एक्टिव। सो एक्टिव में बोले तो एंटीजन, जब भी एंटीजन एंटर होगा तभी ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होएगा। तो उसमें क्या आता है? सेलुलर आता है, ह्यूमरल आता है। तो ह्यूमरल में है इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स में क्या आता है? इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन ई। सो इसको बोल सकते हैं गेमदे, गमदे भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं गेम डी, गेम डी भी बोल सकते हैं। सो आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीई एंटीबॉडी, आईजीडी एंटीबॉडी। सो ये सब इम्यूनोग्लोबिन्स के टाइप्स है। उसके अंदर सेलुलर में आता है हेल्पर सेल्स है, कुछ हेल्पर सेल्स रहते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल, सप्रेसर सेल एंड मेमरी सी सेल।
सो ये सबका फंक्शन है। हेल्पर सेल क्या करता है, हेल्पर सेल से वो एक्टिवेट करता है इम्यूनोग्लोबिन्स को, और फिर उसके बाद साइटोटॉक्सिक सेल है वो डायरेक्टली किल करता है जो भी एंटीजन एंटर हुआ। सप्रेसर क्या करता है कि उसको मेंटेन करके रखता है कि ज़्यादा किल ना करे, ताकि खुद का सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं, और मेमोरी सेल्स उसको मेमोराइज करके रखता है, नेक्स्ट टाइम वो एंटीजन एंटर हुआ तो उसको क्या करेंगे, किल कर लेगा, इसीलिए मेमोरी बना के रखता है। देन पैसिव में क्या आता है, एग्जाम्पल है IgG एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फीटस। मदर से फीटस को जो ट्रांसफर होता है एंटीबॉडी, वो क्या है, पैसिवली, मीन्स उसको एंटीजन के अगेंस्ट में नहीं बन रहा है, वो डायरेक्टली एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रहा है IgG एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू द फीटस। इसकी वजह से इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरली है। देन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मीन्स कुछ मैनमेड है, जो कि मैनमेड है और ये आर्टिफिशियल है। मैनमेड है तो मैनमेड में क्या आता है, एक्टिव एंड पैसिव। सो एक्टिव क्या होता है, एक्टिव मैनमेड मीन्स बोले तो वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन है जो कि क्या रहता है, एंटीजन है डायल्यूट डायल्यू वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीन जो है ना उसमें क्या रहता है, डायल्यूट अमाउंट ऑफ एंटीजन, एंटीजन को बहुत डायल्यूट अमाउंट करके डालते हैं, जब वो बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, इसके लिए इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देन पैसिव में, पैसिव क्या होता है, डायरेक्टली एंटीबॉडी ट्रांसफर होगा, इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जो भी एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, टेटनस का एंटीबॉडी लेते हैं। फिर क्या होता है, सेकेंड क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, वो भी टू द जेनेटिक इम्यूनिटी डेफिशिएंसी पेशेंट, जो भी पेशेंट को उसका बोन मैरो में इन्फेक्शन है तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यूनिटी डेफिशियंस है। इम्यूनो डेफिशियंस क्यों हो गया, क्योंकि बोन मैरो में प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ WBC इज फॉर्म इन द बोन मैरो ओनली, सो दैट्स वाई इफ द बोन मैरो इज एनी इन्फेक्शन इज देयर और एनी जेनेटिकली इम्यूनो डेफिशियंसी इज देयर, देन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन विल बी गोइंग टू हैपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव डाउट देन कमेंट मी।